ये देखो प्यारे बच्चे, अगर इस वाले क्वेश्चन में देखोगे बेसिकली, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक्सलेशन जो है वो लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। तो अगर एक्सलेशन लीनियर इंक्रीज हो रहा है, मतलब लीनियर इंक्रीज विद टाइम, दैट इज बी टी, तो एक्सलेशन को मैं लिख सकता हूँ बी टी, ठीक है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्सलेशन लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहता है पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन का क्या मतलब, डिस्प्लेसमेंट 0 था जब इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट था और टाइम 0 था, तो ये सारा डेटा, तो डिस्टेंस कवर्ड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब टी टाइम बाद कितना डिस्टेंस चलेगा। तो अब देखो एक्सलेशन से वेलोसिटी निकालना आप सबको आता होगा, इंटीग्रेट करते हैं तो एक्सलेशन को लिख दूं मैं डीवी ओवर डीटी, तो यहाँ से वेलोसिटी आएगा, फिर वेलोसिटी को मैं लिख दूंगा डीएक्स ओवर डीटी, वहाँ से डिस्टेंस आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से बी टी और यहाँ डी टी लिखता हूँ, तो ये मैं प्रॉपर यहाँ लिमिट लगाता हूँ, जब टाइम 0 था तो स्पीड यहाँ वी नॉट था, तो जब टाइम टी हुआ तो स्पीड यहाँ वी हुआ, तो वी माइनस वी नॉट की जो वैल्यू है वो बी टी स्क्वायर बाई 2 आ गया, तो वी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस बी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये वाली जो चीज़ है दैट इज वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, अगर तुम वेलोसिटी को यहाँ से खोल दोगे डीएक्स ओवर डी टी कर दोगे ये वाली चीज़, तो यहाँ से तुम मिलेगा वी नॉट प्लस बी टी स्क्वायर बाई 2। इसका मतलब ये हुआ कि डीएक्स ओवर ये वी नॉट प्लस बी टी स्क्वायर बाई 2 और ये आ जाएगा यहाँ से डी टी। तो यहाँ से प्रॉपर लिमिट लगा के इंटीग्रेट करोगे, जब समय 0 था तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 था, तो जब टाइम टी हुआ तो डिस्प्लेसमेंट एक्स हुआ, तो एक्स इज इक्वल टू यहाँ से वी नॉट टी प्लस बी टी की पावर क्यू डिवाइडेड बाई 6। तो ये वाली जो चीज़ आ जाएगी दिस इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम टी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब अपना सी ऑप्शन सही बन जाता है, बाकी सारे वो फर्जी दिए हुए हैं। चलो थैंक यू।